हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर के अंदर ज्यादा चीजें नहीं है आप लोगों को डिस्कस करने के लिए। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले तो हमारे स्केलेटल मसल्स के लिए, क्योंकि स्केलेटल मसल्स जो है वो हमारे अंदर लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और उसी के साथ में कैसे मसल्स हमारी कॉन्ट्रेक्शन करती है, रिलैक्सेशन करती है, जिसकी वजह से लोकोमोशन होता है, एंड हमारी स्केलेटल सिस्टम पूरा जो बोन्स है उनके बारे में। तो एक छोटा सा क्यूट सा चैप्टर है ये, जिसको आप बहुत आसानी से उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो फटाफट से समराइज फॉर्म में हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, के जो हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जिसमें हमें पता होना चाहिए कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट क्या समझते हैं आप लोग, क्या दोनों एक ही शब्द है। तो मैं क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी नहीं, दोनों डिफरेंट शब्द है। लोकोमोशन जो होता है वो एक वॉलेंट्री एक्शन होता है, जबकि मूवमेंट जो होता है वो वॉलेंट्री जरूरी नहीं है, वो इनवॉलेंट्री एक्शन भी है जो हमारे कंट्रोल में ना हो। जैसे फॉर द एग्जाम्पल साइटोप्लाज्म जो होता है वो साइक्लोसिस मूवमेंट करता है, तो दैट इज इनवॉलेंट्री, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे चाहने पर वो मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। लोकोमोशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट जरूरी है, एक हम सर्टेन डिस्टेंस जो होती है उसको जरूर क्रॉस करते हैं, चाहे वो कोई बॉडी पार्ट हो या फिर हम खुद हो, उसको हम लोकोमोशन बोलते हैं, बट मूवमेंट के अंदर डिस्प्लेसमेंट नॉट रिक्वायर्ड। लोकोमोशन को हम मूवमेंट बोल सकते हैं, बट मूवमेंट को हम लोकोमोशन नहीं बोल सकते हैं। प्लांट जो होते हैं क्या वो लोकोमोशन करते हैं? नहीं, बट उनमें भी मूवमेंट होता है, मूवमेंट जरूर करते हैं, चाहे वो अभी उनके अंदर अगर आप हम जो जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर अगर आप देखोगे तो उनके सेल्स जो होती है उनमें साइक्लोसिस मूवमेंट हो रहा होता है, तो दैट वो क्या है, मूवमेंट शो करती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे टच मी नॉट प्लांट, आप उसको टच करेंगे तो देन वो भी क्या हो जाएंगी, इस तरह से श्रिंक हो जाएंगी, तो देन उन्होंने भी क्या मूवमेंट शो किया। सो हम क्या बोलते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, बट सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन शो करते हैं ये जरूरी नहीं है। तो डिफरेंस आप ध्यान में रखिए क्या होता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। कुछ मूवमेंट जो है उनके टाइप आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, वो एकदम फटाफट से हम लोग समराइज फॉर्म में देख लेते हैं, क्योंकि ये लर्निंग है तो इसको आपको याद करना है। जैसे अमीबॉइडल मूवमेंट, सुडोपोडिया फॉर्म होते हैं, अमीबा सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, सुडोपोडिया फॉर्म करती हैं, एंड सुडोपोडिया के थ्रू वो क्या करेंगे, मूवमेंट शो करती है। अभी कौन कौन करती है, मैक्रोफेजिस सेल्स हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, साइटोस्केलेटन जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो भी ये शो करते हैं, ठीक है। फ्लैजिलर मूवमेंट का मतलब हुआ फ्लैजिला के थ्रू, आपको मालूम है कि जैसे कि यूग्लिना सेल्स होती हैं, यूग्लिना के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एंड देन ये फ्लैजिला के थ्रू क्या करती है, मूवमेंट करती है। तो यूग्लिना एग्जाम्पल है फ्लैजिलर मूवमेंट के लिए। फिर सिलियरी मूवमेंट, जैसे कि पैरामीशियम, पैरामीशियम के अंदर क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, पूरी बॉडी पे फैले रहते हैं, और ये सीलिया जो है वो सिंक्रोनाइज वे में क्या करते हैं, मूव करते हैं, जिनकी वजह से मूवमेंट होता है इनके अंदर। तो सिलियरी मूवमेंट शो करते हैं कौन, आपका सिलियरी मूवमेंट शो करते हैं पैरामीशियम वगैरह जो है, ये सिलियरी मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। फिर आ गया मस्कुलर मूवमेंट, तो मसल्स के थ्रू लिम्स का और मूवमेंट जो होता है उसको हम मस्कुलर मूवमेंट बोलेंगे, और हमारे अंदर लोकोमोशन जो हो रहा है या हमारे अंदर जितने भी हमारे, हम ये बोलते हैं कि अगर मेरे लेग है या फिर मेरे हैंड है जो मूव कर रहे हैं, तो वो जो मूवमेंट है वो किसके थ्रू होता है, मसल्स के थ्रू होता है। तो मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि मसल्स जो होती है वो बोन से अटैच रहती है, ठीक है, तो ये जरूरी है मसल जो होती है वो दोनों साइड से या फिर एक साइड से बोन से अटैच होंगे, स्पेशली स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो। तो स्केलेटल मसल्स हमेशा हमारे बोन्स जो है उनसे अटैच रहती हैं। तो वैसे अगर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट हमेशा जो वर्ड लगा दिया मैंने वो गलत हो जाता है, क्योंकि इन पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि हमारी टंग है, तो टंग जो होती है वो मसल्स है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, वो उनमें मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होने से मूवमेंट हो रहा है, बट मसल ये जो हमारी टंग है वो हमारे हायोइड बोन से बहुत पहले ही खत्म हो जाती है, तो वो हायोइड बोन से डायरेक्टली अटैच नहीं रहती है। पर नॉर्मली हम बोलते हैं कि जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो बोन से अटैच रहती है, जिनकी वजह से हमारे अंदर लोकोमोशन होता है। स्केलेटल मसल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पार्ट है प्ले करती है फॉर द लोकोमोशन, इसीलिए इस चैप्टर में स्केलेटल मसल जो है उनको थोड़ा सा और अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया गया है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए, टंग जो है वो स्केलेटल मसल है बट वो किसी बोन से अटैच नहीं है। अगर ईसोफेगस में भी देखें तो जो अपर पार्ट है, जो जहां पे स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होती है, जो वॉलंटरी एक्शन होता है हमारी कंट्रोल में है, तो वो भी किसी बोन से अटैच नहीं है, तो वो एक्सेप्शन है, और साइंस में एक्सेप्शन नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। बट वैसे अगर बात करें तो स्केलेटल मसल्स के बारे में तो एक छोटा सा हम लोगों ने डिस्कशन पहले भी किया है, वापस से अगर स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो वॉलेंट्री एक्शन करती है। अभी टंग जो है स्केलेटल मसल है, देखिए आप कहते थे ना कभी कभी जबान हमारी फिसल गई, तो जबान कभी फिसलती नहीं है, जबान से जो भी शब्द निकलते हैं वो हमारे सोचे समझे होते हैं, तभी क्योंकि टंग जो है वो हमारे कंट्रोल में है, हमें उसको कितना बोलना
करना है या क्या बोलना है, वो पहले से हमारे ब्रेन से जो है उसके सिग्नल हमारे टंग को मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम करते हैं। यानी सोची समझी होती है बातें, कभी भी हमें बोलते हैं फिसली नहीं होती है जबान, ठीक है। नियत फिसल सकती है, जबान कभी नहीं फिसलती। चलिए, तो ये छोटी सी बात है। तो हम जब मस्कुलर मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो स्केलेटल मसल्स के बारे में थोड़ा डिटेल में और पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मसल्स के बारे में। तो देखिए, मसल जो होता है, अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो मैं फटाफट से पहले एक स्ट्रक्चर मसल का डिस्कस करती हूँ। ये स्केलेटल मसल्स जो है उसका स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। इसको स्केलेटल मसल, स्ट्रेटेड मसल एंड स्ट्रिप मसल, तीनों ही हम ये नाम देते हैं। रीजन क्या है? तो पहली बात तो स्केलेटल मसल इसलिए है क्योंकि हमेशा हमारी बोन से ये अटैच रहती है। अब इनको स्ट्रेटेड या स्ट्रिप्ड इसलिए बोलते हैं, अगर आप देखेंगे मसल फाइबर को तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से हमें डार्क और लाइट कलर के अल्टरनेट बैंड्स जो होते हैं वो नजर आते हैं। चूंकि ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेड या फिर स्ट्रिप मसल बोलते हैं। इसके अलावा इनको वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे किसी मसल की बात करोगे तो मसल जो होती है वो एक्चुअल में हम ये बोलते हैं, जो ये मसल फाइबर के कई बंडल्स होते हैं, ठीक है। ये देखो आपको नजर आ रहे होंगे, ये मसल जो फाइबर होते हैं ये उनके बंडल है। ये सिंगल क्या है, ये आपका एक क्या है, मसल फाइबर है। ये मसल सेल भी आप बोल सकते हो, मसल फाइबर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये मसल फाइबर जो है, इसके जब कई सारे बंड, इसके जब एक साथ में कई हम बोलते हैं नंबर में जब ये होती हैं 20-25 उससे भी ज्यादा, तो जब ये बंडल में प्रेजेंट होती है तब हम उसको क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं फेसिकल्स। ये देखिए मसल बंडल, तो फेसिकल्स, और ऐसे फेसिकल्स मसल बंडल, कई सारे बंडल जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तब वो बनाते हैं किसको, आपके एक मसल को। तो मसल जो होती है एक्चुअल में क्या है, ग्रुप ऑफ कई सारे बंडल होते हैं उसके अंदर, किसके, मसल फाइबर के। और मसल फाइबर इसकी क्या है, स्ट्रक्चरल, यहाँ पे देखिए यूनिट है ना, मसल फाइबर को हम पढ़ेंगे। मसल फाइबर वैसे तो मसल फाइबर नहीं है, मसल फाइबर में भी हम अब फिर मायोफाइब्रिल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मसल फाइबर जो है, मसल सेल जो होती है, ऐसी कई सारी सेल मिलकर जो है वो आपका बनाती है किसको, एक बंडल को, जिसको फेसिकल्स बोलेंगे। और फेसिकल्स के कई सारे जब एक साथ में ग्रुप के अंदर बंडल बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मसल बोलते हैं, ठीक है। अब ये मसल जब देखोगे तो ये मसल्स होती क्या है, इस तरह से लाइट एंड डार्क इनमें बैंड्स होते हैं, इस वजह से इसको हमने स्ट्रेटेड बोला है। क्लियर दिमाग में पिक्चर की कौन सी होती है, स्केलेटल मसल्स स्ट्रेटेड होती है। इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे, पहले मसल के बारे में बात करते हैं। तो मसल्स जो होती है वो दो तरह की हो सकती है, एक तो आपकी हो सकती है रेड मसल्स, चलिए इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि पहले हमें इसके लिए स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो मैं पहले मसल की जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो मसल फाइबर है, पहले इसको डिस्कस करते हैं कि मसल फाइबर क्या होता है। देखिए मसल फाइबर जो है, मसल सेल जिसको हम बोल रहे हैं, वो क्या होगी, मसल जो होती है इसके अंदर एक्चुअल में हम ये बोलते हैं कि अगर मैं इस मसल फाइबर को बनाऊं तो एक तो क्या होती है, ये यहाँ पे सिंसाइटल कंडीशन होती है। सिंसाइटल यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। अभी देखिए दो वर्ड आते हैं, एक तो सिनोसिटिक वर्ड आता है, एक सिंसाइटल आता है। सिनोसिटिक वर्ड आए तो समझ जाइए कि एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस ने क्या किया, कंटिन्यू डिवीजन किया, बट वहां पे साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, इसकी वजह से मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन डेवलप हुई, उसको हमने बोला सिनोसिटिक। सिंसाइटल कंडीशन क्या होती है, जब कई सारी सेल्स इस तरह से होती है एक साथ में, सभी यूनि न्यूक्लिएटेड है और इनके बीच का जो ये सेप्टा है वो किसी कारण से क्या हो गया है, अभी गायब हो गया, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, उसको हम बोलते हैं सिंसाइटल कंडीशन, ठीक है। तो ये अगर मसल फाइबर की बात करें तो सिंसाइटल कंडीशन होती है, सेल की तरह बाहर प्लाज्मा लेयर होगी, बिल्कुल है, तो उसको हम यहां पे क्या बोलते हैं, नया वर्ड दे देते हैं, उसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा। ये होता है सार्कोलेमा, ठीक है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियास प्रेजेंट होंगे क्योंकि मसल्स मूवमेंट करिए, एटीपी की रिक्वायरमेंट रहती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। बट अभी तो इनको हम माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं, बट इससे पहले इनको क्या बोलते थे, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इनको सार्कोसोम बोलते थे, ठीक है। तो सार्कोसोम वर्ड आया तो अभी भी समझ जाइए कि सार्कोसोम यानी कि रिलेटेड विद द मसल्स। फिर इसके अंदर हम जो इसका प्लाज्मा पार्ट होता है उस प्लाज्मा को बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ पे नए वर्ड दे दिए, टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है इसकी नॉर्मल सेल से। तो सार्कोप्लाज्मा जो है वो क्या है, इसका साइटोप्लाज्म जो होता है उसको बोलते हैं हम सार्कोप्लाज्म, क्लियर। इसके अलावा इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, जिनका काम होता है कैल्शियम को स्टोर करना। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मसल कॉन्ट्रेक्शन के अंदर, ठीक है। तो कैल्शियम का स्टोरेज रहता है किसके अंदर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। तो यहां एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए चार शब्द है उनको ध्यान रखिए, सार्कोलेमा,
मेम्ब्रेन को बोल रहे हैं, सार्कोप्लाज्म उसके साइटोप्लाज्म को बोला, माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल इसके अंदर प्रेजेंट है, और इसके अलावा इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। अगर मैं बनाऊं उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनमें कैल्शियम आयन स्टोर होते हैं, ठीक है, इतना क्लियर। इसके अलावा जो इनका सार्कोप्लाज्म होता है उसके अंदर मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की तरह मायोग्लोबिन पिगमेंट होता है। ये मायोग्लोबिन पिगमेंट जो होता है ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करने की एफिनिटी रखता है, और ज्यादा रखता है एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन। इस चीज को अगर आप समझे तो देखिए, जहां अगर जब ब्लड का फ्लो होता है, हमने रेस्पिरेशन के टाइम पे पढ़ा है कि जब ब्लड फ्लो हो रहा है तो टिश्यूज के पास में जब जाते हैं तो वहां पे टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है। जब टिश्यूज में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पे डिसोसिएशन होता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन का जो ब्लड के अंदर आया होता है, कहां से, लंग्स के थ्रू, ठीक है। तो वो ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएट होता है, उसी की वजह से तो ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल होता है किसको, टिश्यूज को। बट उस कंडीशन में भी जब पार्शियल प्रेशर क्या है कम होता है ऑक्सीजन का, उस कंडीशन के अंदर भी मायोग्लोबिन जो है उसकी इतनी एफिनिटी होती है कि वो ऑक्सीजन को बाइंड करके रखता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए स्टेटमेंट वाइज, तो याद रखिए हीमोग्लोबिन से ज्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी होती है किसकी, मायोग्लोबिन की, एफिनिटी होती है उसकी ज्यादा, वो उसके साथ में ज्यादा फ्रेंडली रहता है, तो ज्यादा मजबूती से बांध के रखता है, ठीक है। तो पूछ ले जाते हैं, तो मायोग्लोबिन जो है वो इनके अंदर क्या होता है, पिगमेंट होता है जो इसमें प्रेजेंट होता है। तो चार चीजें मैंने आपको बताई, ठीक है, टर्मिनोलॉजी उनकी सेल के बारे में और एक पिगमेंट के बारे में कि मायोग्लोबिन पिगमेंट उसमें प्रेजेंट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे हमारी रेड एंड व्हाइट मसल, ठीक है। चलिए, दो तरह की मसल्स हो सकती है, रेड मसल्स एंड व्हाइट मसल्स। रेड मसल वर्ड आ जाता है तो यहीं से समझ आएगी। पहली बात तो देखो, रेड मसल्स जो होती हैं उनको हम स्लो मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है, जबकि व्हाइट मसल्स जो होती हैं इनको हम फास्ट मसल्स भी बोलते हैं, ये फास्ट, ठीक है। रेड मसल्स जो होती हैं, चूंकि रेड है तो समझ जाइए कि इसके अंदर मायोग्लोबिन जो है वो क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। मायोग्लोबिन हाई है तो उसके साथ में हम ये बोल रहे हैं कि यहां पर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी ज्यादा क्वांटिटी के अंदर हम यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जबकि व्हाइट मसल्स के अंदर देखें तो मायोग्लोबिन क्या होता है, क्योंकि पिगमेंट है कलर की वजह से याद रख सकते हो, तो वो क्या होता है, क्वांटिटी उसकी कम होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसकी क्वांटिटी भी उसके अंदर कम होती है। बट अगर बात करें इन दोनों के मेटाबॉलिज्म की कि ये कौन सी कंडीशन के अंदर करते हैं, तो देखिए रेड मसल्स जो होती हैं चूंकि इनके पास में मायोग्लोबिन ज्यादा है, मायोग्लोबिन ज्यादा है तो ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो इसका मतलब यहाँ पे रेस्पिरेशन कैसा होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। बट व्हाइट मसल्स के अंदर हम अब्सेंट नहीं बोल रहे हैं, मायोग्लोबिन अब्सेंट है ये नहीं बोला, हमने बोला कम है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन करेगी, बट वो ऑक्सीजन इतना कम होगा कि वो बहुत ही जल्द एरोबिक रेस्पिरेशन को बंद कर देगी एंड देन स्टार्ट कर देगी कौन सा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहां पे क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो थकती जल्दी है ना ये वाली मसल जो है, जल्दी थक जाती है। अब रेड मसल्स और अगर व्हाइट मसल्स के अंदर अगर हम दोनों को अगर हम कंपेयर करें, तो आप कंपेयर कैसे कर सकते हो, जैसे कि रेड मसल्स का एग्जांपल है फ्लाइट मसल्स। फ्लाइट मसल्स यानी कि ईगल, ईगल को देखिए, ईगल जो होता है वो कितनी लंबी लंबी दूरियां तय कर लेता है, यानी कि वो धीमा क्या करता है, स्लो मूवमेंट करता है, बट वो लंबी दूरी तय कर लेता है क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, थकावट उसको नहीं होती। व्हाइट मसल्स जो होती है वो बहुत जल्दी फटीक हो जाती है इजीली, जैसे फॉर द एग्जांपल आईलिड्स की हमारी जो मसल्स हैं, ये देखिए अभी पता भी नहीं चलता है लेकिन ये बहुत बार पलके हमारी चिपक जाती है क्योंकि बहुत जल्दी थक जाती है, क्योंकि ये व्हाइट मसल्स होती है, ठीक है। तो व्हाइट मसल्स जल्दी थक जाती है और मूवमेंट भी इनका क्या होता है, फास्ट होता है। एक सबसे अच्छी एग्जांपल है, दो तरह के अगर आप लोग अब हमारे अंदर बात करें तो हमारे अंदर व्हाइट मसल्स जो है वो ज्यादा होती है, रेड मसल्स कम होती है, बट रेड एंड व्हाइट मसल्स आपस में कन्वर्ट हो सकती हैं। थाइज के अंदर अगर आप कंपेयर करें तो रेड मसल्स भी होंगे और व्हाइट भी होगी, जो आपस में हमारी हमारी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। अभी देखिए दो एग्जाम्पल लेते हैं कि एक रनर है जो कि उसमें दौड़ रहा है ओलंपिक के अंदर या उसमें मैराथन के अंदर दौड़ रहा है, और एक है जो शॉर्ट ड्यूरेशन की जो है वो रनिंग कर रहा है, सेंट बोल्ट जैसे कि है, जो 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर की ऐसे रनिंग करता है। तो अगर उस कंडीशन में आप देखेंगे तो सैन बोल्ट क्या होता है, बहुत तेज दौड़ता है बहुत जल्दी, लेकिन वो सेकेंड कुछ सेकंड्स के अंदर 100 मीटर या 200 मीटर की रनिंग कर लेता है फटाफट से, लेकिन वो थक भी जाता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर व्हाइट मसल्स होती है, फास्ट मूवमेंट करती है, जल्दी थक जाती है, ठीक है। बट अगर आप बात करोगे किसी ओलंपिक में दौड़ने वाले की, तो वो बहुत लंबी लंबी दूरी तय करके आ जाते हैं और उसके बाद में आकर उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो वो ऐसे हाँफते नहीं है और हमें क्या बोलते हैं कि ठीक है, वो ईजी वे में हमें बोल देते हैं कि भाई मैंने इतने मीटर की दौड़ लगा दी है, ठीक है। तो जो हम ये बोलते हैं कि रेड मसल्स एंड व्हाइट मसल्स जो होते हैं वो आपस में क्या हो जाती है, इंटर कन्वर्टेबल होती है। तो स्लो जो हमारी रेड मसल्स होती हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगी, स्लो मूवमेंट करेगी, लेकिन
वो थकेगी लेट। अब जैसे साइबेरियन जो पक्षी होते हैं वो भी कितने लंबे लंबे दूरी तय कर लेते हैं, तो वो रीजन क्या है, क्योंकि वो स्लो जो है वो मूवमेंट शो करते हैं, उनमें रेड मसल्स होती हैं, ठीक है। तो हमारे अंदर भी जैसे कि लंबे टाइम तक हम पढ़ाते पढ़ाते हमारे अंदर भी रेड मसल्स जो है वो डेवलप हो जाती है, तो हम थकते नहीं, घंटों खड़े रह सकते हैं। बट शायद अगर यही चीज आपको बोल दी जाए तो आप घंटों खड़े नहीं रह पाएंगे, बट अगर आप मूवमेंट करना शुरू कर देंगे उतना तो हो सकता है मे बी आप में रेड व्हाइट मसल्स जो है आपकी रेड मसल्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये हो गए दो तरह की मसल्स। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है, अभी देखिए हम लोगों ने मसल जो है उसको डिस्कस किया ना, मसल फाइबर को। ये थोड़ा सा डायग्राम मैंने अपनी तरह का बना दिया है थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने के लिए, छोटी छोटी चीज है। देखिए ये है मसल फाइबर, ये जो मैं बना रही हूँ ये है हमारी मसल फाइबर, ठीक है। अभी मसल फाइबर के अंदर आप देखोगे तो वही आपको पता है सार्कोलेमा है, बाहर की लेयर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, सार्कोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। बट इसके अंदर हम ये देखते हैं कि मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और उनकी क्वांटिटी 20-25 या उससे ज्यादा हो सकती है। तो ये जो मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल होते हैं एक्चुअल में ये हम ये बोलते हैं कि स्ट्रक्चरल यूनिट होती है किसकी, आपके मसल फाइबर की, ठीक है। तो इनके अंदर कई सारे मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट इनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो एक हम ये बोलते हैं मसल फाइबर में मल्टीपल में मायोफिलामेंट हो सकते हैं। अगर मैं एक मायोफिलामेंट को थोड़ा सा एनलार्ज करके अगर उसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो उसके स्ट्रक्चर में जो हमें लाइट एंड डार्क बैंड नजर आ रहे हैं वो कुछ ऐसे हैं। एक्चुअल में दो तरह की यहाँ पे प्रोटीन होती है जिनके प्रोटीन के फिलामेंट देखने को मिलते हैं, एक तो मायोसिन और एक एक्टिन। तो यहाँ पे एक्टिन एंड मायोसिन के फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं जिनका अरेंजमेंट की वजह से ये डार्क एंड लाइट बैंड हमें नजर आते हैं। तो सबसे पहले तो इनको डिस्कस करते हैं। तो ये जो डार्क कलर का बैंड हमें नजर आता है, ये डार्क बैंड जो है पूरा का पूरा ये डार्क बैंड, लेकिन यहाँ पे देखो डार्कनेस जो होती है ना वो अनइक्वल होती है। अगर किनारों पे देखोगे तो ज्यादा हमें देखने को मिलेगी, मिडल में अगर आप देखोगे तो कम देखने को मिलेगी। इस वजह से इस डार्क बैंड को हम बोलते हैं अनआइसोट्रॉपिक या ए बैंड। तो ये क्या है, ए बैंड है, क्लियर, इसको हम ए बैंड बोल रहे हैं। फिर इसके अलावा अगर आप देखो लाइट बैंड अगर देखोगे तो लाइट बैंड जो होता है वो पूरा एक जैसा ही है, तो आइसोट्रॉपिक बैंड है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, आई बैंड भी बोलते हैं, ठीक है। बट इनके बीच में आपको एक लाइन नजर आ रही है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, जेड लाइन बोलते हैं। जेड वर्ड पे ना जाइए, जेड का मतलब जर्मन भाषा से लिया गया शब्द है जिसका नाम होता है ज्विस्टिन सोइबे, जिसका मतलब होता है मिडल। अब उससे मतलब हमारा है नहीं, क्या मतलब होता है कितना डिटेल में नहीं जाना है, बट जेड का मतलब मिडल से होता है, इस वजह से ही नेमिंग दी गई है। तो जेड लाइन जो होती है वो एक्चुअल में मिडल में इनमें प्रेजेंट लाइन है, लेकिन ये जेड लाइन किसके अंदर प्रेजेंट है, लाइट बैंड के अंदर, ये प्रेजेंट होती है आइसोट्रॉपिक बैंड के अंदर, ठीक है। जेड लाइन जो कि एक क्लियर कट लाइन होती है, ठीक है, एक्चुअल लाइन है। तो दो जेड लाइन जो होती है उसका बीच का जो ये एरिया, ये इसको हम बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि इसको हम बोलते हैं सार्कोमियर, दो जेड लाइन। अब इसमें अगर आप देखोगे तो आधी जेड लाइन, आधा आई बैंड यहां आ रहा है, आधा आई बैंड यहां पे, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि एक आई बैंड है और एक क्या है, ए बैंड है। तो ऑप्शन में जैसा मार्क किया गया उसी से समझिए, लेकिन अगर मैं लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, हाफ आई बैंड प्लस आपका उसके बाद में ए बैंड एंड देन वापस से क्या है, हाफ आई बैंड। इसको मैं क्या बोल रही हूँ, सार्कोमियर बोल रही हूँ, ठीक है, जो क्या है, फंक्शनल यूनिट है कॉन्ट्रेक्शन की। अब देखिए यहां पर अगर मैं डार्क बैंड में देखूंगी तो बीच में एक लाइन और नजर आ रही है, इसको हम एम लाइन बोलते हैं, दैट इज फर्जी लाइन, ये कोई लाइन नहीं है, बट मिडल में हमें गहरे इनके डार्क लग की अलग से नजर आती है, इस वजह से इसको एम लाइन बोल दिया गया है। मिल्टन शोएबे से वर्ड आया है, बट इसका कोई मतलब नहीं है, हमें याद नहीं रखना है, एम याद रखिए, मिडल से याद रखिए, संबंधित रखिए। तो ये है एम लाइन, ठीक है, बट ये कोई लाइन नहीं है, फर्जी लाइन है। चलिए तभी तो कॉन्ट्रेक्शन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे एम लाइन के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते ना, कि कहीं पे भी अगर कॉन्ट्रेक्शन होता है तो हम ये बोलते हैं कि जेड, जो जेड लाइन होती है उसको अंदर की तरफ खींच लिया तो कॉन्ट्रेक्शन हो गया, है ना, बट ऐसा कुछ हम पढ़ते नहीं एम लाइन के बारे में, तो क्योंकि ये एक फर्जी लाइन है। फिर अगर आप देखेंगे तो ये जो एरिया है, जो अगर आप अनआइसोट्रॉपिक बैंड है, इसके बीच के अंदर एक बैंड नजर आ रहा है लाइट कलर का आपको नजर आ रहा है, जहां किसी भी तरह की कोई ओवरलैपिंग नहीं है, या फिर हम ये बोल रहे कोई डार्क कलर नहीं है, तो ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं एच जोन, ये है एच जोन, ठीक है, क्लियर रखिएगा, ये है एच जोन जहां ओवरलैपिंग नहीं है, यानी अनआइसोट्रॉपिक का ही पार्ट है ये। तो ये हो गया मायोफिलामेंट का स्ट्रक्चर। अगर मैं इसको और थोड़ा सा एनलार्ज करूं तो मुझे क्या नजर आएगा, ये जो एम लाइन बनी है ये किससे बनी है, ये एम लाइन बनी है थिकनेस से, कौन से, यहां पर प्रेजेंट होते हैं थिक फिलामेंट, ये देखो मोटे मोटे फिलामेंट नजर आ रहे हैं, इनको हम बोल रहे हैं थिक फिलामेंट, यानी कि अनआइसोट्रॉपिक बैंड किससे बन रहा है,
थिक फिलामेंट से बनना है, जो किससे बनता है, मायोसिन फिलामेंट होते हैं, मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं, तो मोटे मोटे फिलामेंट होते हैं यहाँ पे, और इनको हम प्राइमरी फिलामेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रेजेंट है, चूंकि यहाँ थिकनेस है, इस वजह से यहाँ पे हमें एक लाइन जैसी नजर आती है, जिसको हमने फर्जी लाइन बोल दिया, एम लाइन, जो हमें नजर नहीं आ रही है। फिर हम क्या बोलते हैं, ये जो हमारा आइसोट्रॉपिक बेड है, यहां पे हमें पतले पतले फिलामेंट नजर आते हैं, थिन फिलामेंट नजर आते हैं, जो किसके बने होते हैं, एक्टिन के बने होते हैं, और जहां पे एक्चुअल में लाइन होती है, जेड लाइन यहाँ पे प्रेजेंट रहती है, ठीक है। अभी देखिए, ये वो ओवरलैप एरिया है जहां पे एक्टिन फिलामेंट और आपके कौन से फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट, थिक एंड थिन दोनों है, ओवरलैप्ड मिल रहे हैं, ये वो एरिया है जहां पे ओवरलैपिंग हमें नजर आ रही है, जो एनाइसोट्रॉपिक का पार्ट है, राइट, इसको हम एनाइसोट्रॉपिक में काउंट कर रहे हैं, जहां ओवरलैपिंग हमें मिल रही है। तो ये देखिए वो एरिया जहां दोनों तरह के फिलामेंट होते हैं, ठीक है। तो फिर याद रखिए, थिन फिलामेंट से बना होता है आइसोट्रॉपिक एरिया, एक्टिन फिलामेंट है सेकेंडरी फिलामेंट है, मोटे फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट या फिर प्राइमरी फिलामेंट से बना होता है कौन सा आपका, जो बैंड होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एनाइसोट्रॉपिक एरिया। क्लियर कट याद रखिए। इसको याद रखने का एक तरीका ये भी है, जैसे कि अगर आप याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं, दहलीज, दहलीज एक शब्द है जिस शब्द से आप याद रख पाएंगे इस सब चीजों को, दहलीज, देखिए दहलीज से आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए, डी का मतलब होता है डार्क, डार्क बैंड, तो डार्क बैंड हम किसको बोल रहे हैं, डार्क बैंड होता है एनआइसोट्रॉपिक बैंड, और एनआइसोट्रॉपिक बैंड के अंदर ही प्रेजेंट होता है क्या, जेड, सॉरी एच जोन, एच जोन कहां होता है, एक है एनआइसोट्रॉपिक बैंड के अंदर के जोन को हम बोलते हैं एच। एल का मतलब क्या हो गया, एल का मतलब होता है लाइट बैंड, इसको हम बोलते हैं आइसोट्रॉपिक बैंड, ठीक है, और इसके अंदर प्रेजेंट होती है जेड लाइन। तो अब आपसे अगर पूछे कि एच जोन कौन से एरिया में है, तो आप ये बता सकते हो कि वो किसके अंदर है, डार्क बैंड के अंदर है, ठीक है। जेड लाइन का पूछे तो वो कौन सी, किसके अंदर है, तो वो होती है लाइट बैंड के अंदर होती है, इससे आप याद रख सकते हो, ठीक है। अनआइसोट्रॉपिक बैंड किसको बोलते हैं, डार्क बैंड को, आइसोट्रॉपिक किसको बोलते हैं, एल बैंड को। अब देखिए यहां पे कहीं पे भी एम का मतलब, एम जो है एम लाइन के बारे में नहीं बताया गया, क्यों, क्योंकि हमारी दहलीज पे एम लाइन का कोई रोल नहीं है, कोई काम नहीं है, दहलीज पे वो कदम नहीं रख सकता, क्यों, क्योंकि दैट इज फर्जी लाइन, इसीलिए उसका नाम यहां नहीं है। तो दहलीज सब ये जो एक वर्ड है, इससे आपको ये सारे के सारा याद हो जाएंगे और आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्शन प्रोटीन। अभी देखिए, हमने बोला मोटे मोटे फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट, प्राइमरी फिलामेंट, ये किसके बने होते हैं, मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। एक्चुअल में मायोसिन फिलामेंट जो होता है वो 500 मेरोमाइसिन के बने होते हैं। अगर किसी मेरोमाइसिन को आप देखोगे तो उसके अंदर नजर आएगा आपको टेल एरिया, और एक आएगा आर्म विद शाफ्ट, ये एरिया, ठीक है, हेड जिसको हम बोल रहे हैं, तो हेड है विद द आर्म। अगर आप इसमें देखोगे तो हेड कितने हैं आपको नजर आ रहे हैं, दो हेड होते हैं, और टेल एरिया देखोगे तो इस तरह से चोटी जैसे गुथी होती ना, वैसे गुथी हुए एरिया रहता है, ठीक है। अब हेड के अंदर देखोगे तो देखिए, एक हेड जो है वहां पे अगर आपको देखोगे यहां पे, तो नजर आएगा कि इन हेड में प्रेजेंट होती है एक तो एक्टिन बाइंडिंग साइट, जहां पर ये एक्टिन से क्या होते हैं, बाइंड होते हैं, और दूसरा होता है एटीपी बाइंडिंग साइट, यानी कि ये हेड जो होता है खुद एटीपेज यानी एंजाइम की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो यहां पर एक्टिन बाइंडिंग साइट है, यानी कि यहां से ये एक्टिन फिलामेंट से जुड़ेंगे। तो ये है किसका स्ट्रक्चर, आपके मायोसिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर। अगर आप उस एरिया में देखेंगे तो ये मैं एम लाइन को बना देती हूं, और मैं इस तरीके से बनाती हूं कि इस तरीके से ये इनका टेल एरिया जो है ना, ये अपने हेड को लेते हुए यू प्रेजेंट होता है, ये तो ये है आपका, आप जो फिलामेंट आपका प्रेजेंट है किसके अंदर, डार्क बैंड के अंदर, ये है मेरोमाइसिन, है ना, मेरोमाइसिन। अगर आपको नजर आएंगे तो यहां पे मैं दो हेड बना देती हूँ, ये दो हेड बना दिया, तो इस तरह से इनकी क्रॉस आर्म यूं हो रहती है, तो ठीक है। तो क्रॉस आर्म जो होती है वो हमेशा इस तरह से ही मूवमेंट करती है। तो मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, वो एम लाइन वाला मोटी सी गार्ड जैसा हिस्सा है, ठीक है, ये टेल एरिया है और ये हेड, तो ये मूवमेंट कैसे करते हैं, इस तरीके से मूवमेंट करते हैं, यानी कि यहां पे अगर ये एक्टिन फिलामेंट से जुड़े होंगे तो एक्टिन फिलामेंट को किधर की तरफ खींच लेंगे, अंदर की तरफ, एम लाइन की तरफ, एच जोन की तरफ खींच लेंगे, किसको, एक्टिन फिलामेंट को, इस तरह से, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में ऐसे ही मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से मूवमेंट होता है इनका, तो ये अंदर की तरफ खींच लेंगे। अगर यहां पर कोई भी अगर हम बोलते हैं कि एक्टिन फिलामेंट है और वो अपने क्या कर रहे हैं, हेड रीजन से क्रॉस ब्रिज जो है वो फॉर्म कर रहे हैं, तो क्रॉस ब्रिज के थ्रू वो एक्टिन फिलामेंट को अंदर की तरफ खींच लेते हैं, जिसको स्लाइडिंग मूवमेंट बोलते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रेक्शन होता है मसल्स में, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट को अगर देखोगे तो वहां तीन तरह की हमें प्रोटीन देखने को मिल रही है। एफ एक्टिन किसको बोला है, ये एक्टिन प्रोटीन है जो एक्चुअल में ग्लोबुलर होती है, और इन्हीं से जब फिलामेंट बनता है तो उसको हमने बोल दिया है फिलामेंटस एक्टिन, यानी कि एफ एक्टिन होते हैं, जो इस तरह से चोटी की तरह गूंथे हैं। उसी के साथ साथ में देखो एक और है ट्रोपोमायोसिन, जो कि एक्चुअल
में क्या होती है, ये एक्चुअल में स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है मेरोमाइसिन से, ठीक है, जो भी क्या है लंबा फिलामेंटस, हम बोलते हैं कि फिलामेंटस प्रोटीन है जो इसके साथ साथ में एक्टिन के साथ में गुथी है, इसको स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल होती है। ये मान लीजिए ये है ट्रोपोमायोसिन और इसके ऊपर प्रेजेंट रहती है इस तरीके से, अगर मैं बना दूं तो ये है एफेक्टिन, इस तरीके से मैं एफेक्टिन को बना सकती हूँ, ठीक है, ये है एफेक्टिन, तो ये एफेक्टिन जो है इसके साथ साथ में गुथी हुई है, स्ट्रक्चर मेंटेन हो रही है एक्टिन फिलामेंट की। ट्रोपोनिन तीसरी है जिसके अंदर हम देखो ये ट्रिपलेट के फॉर्म में बनाया जाता है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट एक्चुअल में ये कैप होती है, ये वो क्या करती है एरिया को, एक्टिव साइट को कवर करके रखती है जहां पर मायोसिन जो होता है एक्टिन से जुड़ता है। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये एक्चुअल में इसके अंदर तीन पोर्शन है लेकिन हमें याद रखना है सिर्फ एक ही, ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन सी वो एरिया होता है जहां पर कैल्शियम आकर जुड़ता है, कैल्शियम आकर बाइंड होता है। जब कैल्शियम ट्रोपोनिन सी से जुड़ता है तो ट्रोपोनिन जो यहां पर क्या कर रहा है मायोसिन के साथ बाइंडिंग साइट को क्या कर रहा है कवर कर रहा है, तो ये जब कैल्शियम के साथ जुड़ जाएगा तो ये यहां से हट जाएगा और वो साइट जो है फ्री हो जाएगी ताकि एक्टिन फिलामेंट जो है वो यहां पर मायोसिन फिलामेंट के साथ में जुड़ सके, ठीक है, ये हम कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे पढ़ेंगे। तो तीन तरह की प्रोटीन है किसके अंदर आपके, तीन तरह की हम ये बोल सकते हैं ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन और एक्टिन, किसके अंदर एक्टिन फिलामेंट में, जबकि यहां पर क्या देखने को मिल रही है स्ट्रक्चर में मेरोमाइसिन, 500 से ज्यादा मेरोमाइसिन के बने होते हैं मायोसिन फिलामेंट और उसके अंदर टेल रीजन और हेड होता है, हेड जो है वो दो है, याद रखिए दो हेड होते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। चलिए मैकेनिज्म, स्लाइडिंग मूवमेंट करते हैं, कॉन्ट्रेक्शन करते हैं, अभी देखो कैसे करते हैं, ये आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया गया स्ट्रक्चर है पूरा क्लियर कट। तो देखो होता क्या है, ये आपका स्लाइडिंग मूवमेंट किस तरीके से होगा, तो ये है एक्टिन फिलामेंट और ये है आपके मायोसिन फिलामेंट, ठीक है, मायोसिन फिलामेंट में भाई एटीपी जो है, हम ये बोलते हैं कि एटीपेज एंजाइम जो है वो एटीपी का ब्रेकडाउन करेगा, ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी एंड देन जो आपका हम ये बोल रहे हैं कि कैल्शियम जो है वो रिलीज होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सार्कोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा, जब सार्कोप्लाज्म में वो आ जाएगा तो वो एक्टिन फिलामेंट जो होता है उसके ट्रोपोनिन सी से जुड़ के उस ट्रोपोनिन को अलग कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो साइट है क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए मायोसिन के साथ में जुड़ने के लिए वो साइट फ्री हो जाएगी, मायोसिन अपने एक्टिन बाइंडिंग साइट से क्या करेगा एक्टिन फिलामेंट से जुड़ जाएगा। ये देखिए मायोसिन के हेड जो है उसने एक्टिन फिलामेंट से जुड़ के क्रॉस ब्रिज बना लिया, जैसे क्रॉस ब्रिज बनेगा तो ये क्या करता है ये इस तरह से पीछे की तरफ धकेलता है, किसको धकेल रहा है एक्टिन फिलामेंट को, ठीक है, जैसे एक्टिन फिलामेंट की तरफ धकेल देगा इस तरीके से देन वापस क्या होगा रिवर्स होगा, कैल्शियम जो है वो वापस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चला जाएगा, एटीपी फॉर्मेशन हो जाएगा एंड देन ये जो आपके फिलामेंट्स है एक्टिन फिलामेंट ये क्रॉस ब्रिज जो इनके बीच में बना था वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में इसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग। तो कॉन्ट्रेक्शन होता है, अभी कॉन्ट्रेक्शन मैकेनिज्म होती कैसे है इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि हमारे हमें ये मूवमेंट करना है तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो सिग्नल भेजेगा किसको, मोटर न्यूरोन के थ्रू। मोटर न्यूरॉन्स पता है ना वो कहाँ पे, हमारी स्केलेटल मसल्स जो होती है उनसे जुड़े रहते हैं, तो वहां पे वो न्यूरोट्रांसमीटर जो है ना उसको रिलीज करेंगे, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर जहां पे सिनेप्स फॉर्म हो रहा है मसल के साथ में, मान लीजिए ये मसल है और यहाँ पे ये सिनेप्टिक नोब है न्यूरोन्स की, यहाँ पे उसने क्या किया न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज किया, सिग्नल गया किसके पास में स्केलेटल मसल्स के पास में, तो यहाँ पे ये मसल्स के अंदर जो प्रेजेंट उनके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी सार्को में कैल्शियम आयन है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो सार्कोप्लाज्म में आ जाएंगे, जब सार्कोप्लाज्म में वो आ जाएंगे तो वो ट्रोपोनिन से बाइंड करेंगे, तो ट्रोपोनिन जो कि जुड़ा हुआ था कहाँ पे, ये ट्रोपोनिन मान लीजिए यहाँ जुड़ा हुआ है एक्टिन फिलामेंट से, तो वो क्या करेगा ट्रोपोनिन से जाके सी ट्रोपोनिन से जुड़ जाएगा कैल्शियम और वो फ्री कर देगा ट्रोपोनिन को, तो ये एरिया खाली हो जाएगा। अब ये एरिया खाली है तो यहां पर आराम से मायोसिन का हेड जो है वो जुड़ सकता है, राइट, तो यहां पर क्या हो जाएगा मायोसिन का हेड जो है आके जुड़ेगा क्रॉस ब्रिज बना लेगा, जब क्रॉस ब्रिज बनेगा तो वो क्या करता है अंदर की तरफ धकेल देगा किसको आपके एक्टिन के फिलामेंट को, ठीक है, एक्टिन फिलामेंट अंदर की तरफ जाएगा। अभी देखिए मायो जो हमारा फिलामेंट है उसमें कैसे एक्टिविटी हो रही है कॉन्ट्रेक्शन के टाइम पे, तो देखिए ये वो आपका हम ये बोल रहे हैं कि मायोसिन मोटे मोटे फिलामेंट है मायोसिन के फिलामेंट है और ये है एक्टिन, तो ये यहां पे जुड़कर क्या बनाते हैं क्रॉस ब्रिज बनाते हैं, क्रॉस ब्रिज बनाने की वजह से वो क्या करेंगे आपके एक्टिन फिलामेंट को अंदर की तरफ यानी कि एम लाइन जो होती है एच जोन की तरफ उसको धकेलेंगे, जब इसको ये धकेलेंगे तो क्या होगा जेड लाइन जो है वो क्या आ जाएगी पास पास आ जाएगी, ये देखो जेड लाइन जो है ना वो पास पास में आ गई और इसकी वजह से ये देखो ये जो है ये तो मैक्सिमम कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, तब क्या हो रहा है
मैक्सिमम कॉन्ट्रेक्शन की वजह से तो क्या होंगे, एक्टिन फिलामेंट एक दूसरे के ओवरलैप हो गए, लेकिन नॉर्मल अगर कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये एरिया जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि ये जो आइसोट्रॉपिक बैंड है ना वो एक तरफ से क्या हो गया, नेग्लिजिबल ही है, प्रेजेंट ही नहीं है, पूरा का पूरा अनआइसोट्रॉपिक बैंड जो है ना उसमें कन्वर्ट हो गया। रीजन, क्योंकि क्रॉस ब्रिज ने क्या किया, एक्टिन फिलामेंट को अंदर की तरफ धकेला, जेड लाइन जो है अभी क्या हो गई, घिसक गई, दोनों जेड लाइन जो है वो घिसक गई, ये जो बीच का एरिया इसको हम क्या बोल रहे हैं, सार्कोमियर, जो कि फंक्शनल जो बोल रहे हैं यूनिट है, इसी को अगर आप चेक करोगे तो देखो दोनों जेड लाइन जो है अब क्या क्या हो गई, पास में आ गई, आइसोट्रॉपिक बैंड अभी नजर ही नहीं आ रहा, केवल अनआइसोट्रॉपिक बैंड जो है वो नजर आ रहा है, क्यों, क्योंकि क्रॉस ब्रिज बनाकर उन्होंने एक्टिन फिलामेंट को अंदर की तरफ धकेल लिया, यहां पे क्या हो गया, इसकी वजह से मसल जो है उसमें कॉन्ट्रेक्शन हो गया, ठीक है, तो पुल किया, क्रॉस ब्रिज बना जिसकी वजह से एक्टिन फिलामेंट को अंदर की तरफ खींचा, ए बैंड की सेंटर की तरफ यानी एस जोन की तरफ खींच लिया, और जिसकी वजह से दो जेड लाइन के बीच का एरिया कम हुआ, लेकिन एक्चुअल में एरिया कौन सा खत्म हो जाता है पूरी तरीके से, आइसोट्रॉपिक वाला, वो दिखता ही नहीं है, लाइट बैंड हमें नजर नहीं आता, केवल हमें नजर कौन सा आता है, डार्क बैंड हमें नजर आता है, तो यहां पे इसकी वजह से क्या हो जाता है, कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है, सार्कोमियर जो देखो ये एरिया जो है वो क्या हो गया, कम हो गया, तो इसको हमने क्या बोला, कॉन्ट्रेक्शन हो गया, राइट, तो सार्कोमियर जो है उनमें शॉर्टनिंग हो जाती है। अभी रिलैक्सेशन होगा तब क्या होगा, रिलैक्सेशन के टाइम पे वही है, जो क्रॉस ब्रिज होता है एक्टिन मायोसिन के बीच का वो टूट जाता है, कैल्शियम आयन जो है वो वापस से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उनके पास में अंदर स्टोर हो जाते हैं, एंड देन वही आपका जो स्लाइडिंग मूवमेंट हुआ था अभी वो उसके अगेंस्ट हो जाएगा, एक्टिन अपने वापस रियल पोजिशन में चले जाएंगे, तो रियल पोजिशन में जाने से क्या हो जाएगा, मसल्स अपने ओरिजिनल उसमें आ जाएगी, ओरिजिनल स्टेट के अंदर आ जाएंगी और मसल्स में रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो देखिए ये जस्ट उल्टा है, उसमें एटीपी का यूटिलाइजेशन भी हो रहा है, मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उस टाइम पे एटीपी टूटता है एडीपी में एंड फॉस्फेट में, जिससे एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये चीज भी आप ध्यान रखिए, एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है, यहां पर किसी भी तरह का एटीपी यूटिलाइज नहीं होता, तो रिलैक्सेशन एक तरह का पैसिव मूवमेंट है, ये भी चीज आप याद रखिए, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्ट्रेक्शन, और उसके साथ में ये छोटा सा टॉपिक था आपके स्केलेटल मसल से रिलेटेड एंड उनमें कॉन्ट्रेक्शन कैसे होता है, मुझे लगता है ये अब आपके दिमाग में क्लियर होगा, क्रॉस ब्रिज बनाकर किस तरह से वो आई बैंड जो होता है उसको क्या कर देते हैं, उसका एरिया को कम ही कर देते हैं, केवल जो हम बोलते हैं ए बैंड जो होता है वही रह जाता है, तो सार्कोमियर जो होता है उसकी शॉर्टनिंग हो जाती है, तो इसकी वजह से कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो वो छोटा सा मेरे ख्याल से टॉपिक है, अभी आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर भी बन गई होगी। स्केलेटल सिस्टम, बिल्कुल, स्केलेटल मसल्स पढ़ी हैं तो उनसे रिलेटेड बोन्स के बारे में भी पढ़ना जरूरी है। स्केलेटल सिस्टम जो है ये सब लर्निंग है, कौन सी बोन होती है, कहाँ प्रेजेंट है, कितने नंबर में प्रेजेंट है, क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो ये लर्निंग वाला है, यहाँ समझने जैसा कुछ नहीं है, तो याद रखना है आपको, तो मैं एक ओवरव्यू आपको दे देती हूँ, बट ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ये हमने एक चार्ट के थ्रू आपको बता दिया। तो हमारा जो पूरा स्केलेटल सिस्टम होता है उसको हम दो पोर्शन में पढ़ लेते हैं, एक तो एक्सियल स्केलेटन में और एक अपेंडिकुलर स्केलेटन में। अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, अपेंडिकुलर में आ जाएंगे हमारी दोनों लिम्स आ जाएंगे, है ना, हमारे फोर लिम्स एंड हमारे हिंड लिम्स जो है वो आ जाएंगे विद देयर गर्डल्स, जबकि जो हमारा एक्सियल स्केलेटन है इसके अंदर हमारी वर्टिबल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स एंड हमारा जो हम बोलते हैं स्कल जो पोर्शन है वो आ जाता है। अभी देखिए सबसे पहला पोर्शन स्कल, स्कल के अंदर ये नंबरिंग याद रखिए, क्रेनियम जो है उसके अंदर हम बोलते हैं कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है, तो 8 बोन्स प्रेजेंट होती है हमारे स्कल के अंदर क्रेनियम में। फेशियल रीजन के अंदर कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है, 14, ये नंबरिंग आपको याद रखनी पड़ेगी। हाइविड बोन सिंगल होती है, आपको पता है ये हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होती है। और ईयर ऑसिकल्स कितनी होती है, 1 में 3 है, तो 2 में कितनी होगी, 6, ठीक है। तो ये हो गई आपके स्कल के अंदर। वर्टिबल कॉलम के अंदर आपको पता है वर्टिबल कॉलम जो होती है वो भी कई पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे कि सबसे पहले हमारी सर्वाइकल, तो हमारी सर्वाइकल बोन्स कितनी होती है, 7। उसके बाद में आ जाती है थोरेसिक, थोरेसिक कितनी होती है, 12। याद रखने का अच्छा तरीका ये कि रिब्स जो होती है उनसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। फिर आ जाती है लुम्बर, लुम्बर जो होती है वो होती है 5। देन आती है सेक्रर एंड कॉसिजियल जो की होती है 1। स्टर्नम एक सिंगल है, फ्लैट बोन होती है। रिब्स कितनी होती है, 12 पेयर्स, तो इसी से आप याद रख सकते हो थोरेसिक, थोरेसिक केज जब बनता है तो रिब्स प्लस ये हमारी जो ये जो रिब्स होती है थोरेसिक वर्टिब्री से ही निकलती है, ठीक है। बट आगे जाके उस स्टर्नम से अटैच होती है कि नहीं होती, उस बेसिस पे हम रिब्स को फिर आगे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो जाते हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ गर्डल,
गर्डल में देखिए, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल दो तरह के गर्डल होते हैं। पेक्टोरल गर्डल वो जो हमारे हिंड लिम्स, सॉरी हमारे जो फोर लिम्स हैं जिनसे निकलते हैं उनको हम बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल। इसके अंदर क्लेविकल्स होती हैं, ये हमारी जो ब्यूटी बोन्स जिनको हम बोल रहे हैं कितनी है, होती हैं ये दो हैं आपकी। इसके अलावा स्कैपुला, स्कैपुला जो है वो हमारा ये गर्डल है। पीछे से अगर आप उठाएंगे अपने लिम्ब को हिला के देखिए तो ये जो पोर्शन बन रहा है ये क्या है, स्कैपुला है। स्कैपुला जो है वो कितने हैं, टू, क्योंकि वन एंड वन। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं पेक्टोरल गर्डल जो है वो कितनी बोन से मिलके बना है। तो पेक्टोरल गर्डल जो है कितनी बोन है, इसके अंदर दो बोन तो यही है, एक तो आपकी स्कैपुला है और दूसरी आपकी क्लेविकल है। तो दो बोन से मिलकर बनता है हमारा पेक्टोरल गर्डल। चलिए पेल्विक गर्डल जो है इसके अंदर दो बोन्स होती है, कॉक्सल बोन्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो दो कॉक्सल बोन्स जब आपस में मिलती है तो बनता है आपका एक पेल्विक गर्डल। डायग्राम आप आगे देखेंगे। लिम्ब्स बोन्स जो होती है वो होती है 30। अभी देखिए फोर लिम्ब्स में कौन कौन सी है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फेलेंजियस। डिजिट्स के अंदर जो प्रेजेंट होती है, नंबरिंग याद रखिए, ह्यूमरस कितनी है, अब आपको पता है दो है फोर लिम्ब्स तो उनमें वैसे तो ह्यूमरस एक ही होती है। देन रेडियस, अल्ना, कार्पस, ये कार्पल्स जो है वो रिस्ट की बोन होती है, कितनी है ये आप याद रख सकते हैं, 8। देन मेटाकार्पस जो है ये कितने हैं, 5, एक में, एक लिम्ब में अगर हम बात करें। फेलेंजियस कितने होते हैं भाई, 14, अगर एक के अंदर बात करें दो में हो गए तो 28, ठीक है। फिर हमारे हिंड लिम्ब्स की बोन कौन कौन सी है, फीमर, टीबिया, फीमर, टीबिया, फिबुला, पटेला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फिर इसकी भी फेलेंजियस। तो ये जो है ना इनकी नंबरिंग आपको याद रखनी है। डायग्राम्स को फटाफट से देख लेते हैं। ह्यूमन स्कल, ये आपका ह्यूमन स्कल है, तो ये है आपकी फ्रंटल बोन, ठीक है, ये आपका फॉरहेड वाला पोर्शन जो बना रही है। ये है आपकी पैराइटल बोन्स, आप टच कर सकते हो। फिर उसके बाद में ईयर के ऊपर जो है ये आपकी है टेम्पोरल बोन्स। फिर उसके बाद में लास्ट में नीचे ये है ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है, ये नीचे की तरफ, तो ये हो गए ऑक्सीपिटल बोन। फिर उसके बाद में आप देखिए ये कुछ और फेशियल बोन्स जो है उनके नाम भी आपके डायग्राम में दिए गए हैं। सिफेनोइड बोन कौन सी है, ये सिफेनोइड है। इथेमोइड, लैक्रिमल हमारे ईयर के अंदर, हमारे आईज के अंदर होती है, ठीक है। नेजल बोन ये जो आपका बना रही है, आप टच करके इसको देख सकते हैं, नेजल बोन। फिर ये है जाइगमेटिक बोन, ये ब्यूटी बोन होती है, देखिए ये आप जब हंसते हैं ना तो यहाँ पे उठती है। मैक्सिला आपका जॉस बना रही है, मैंडिबुल नीचे लोअर जॉस को बना रही है। हायर्ड बोन जिसको हम पढ़ते हैं कि हाँ जहाँ से टंग जो है वो निकलती है, ठीक है, बट वैसे टंग इसे डायरेक्टली अटैच नहीं रहती है। तो ये कुछ बोन है, डायग्राम्स याद रखिए। सर्वाइकल बोन्स 7, थोरेसिक वर्टिब्री जो है वो आपकी है 12, ल्यूम्बर जो होती है वो होती है 5 एंड देन सेक्रल 1 एंड कॉसिक्स 1, ठीक है। तो इनसे मिलकर बनती है आपकी वर्टिब्रल कॉलम। ये डायग्राम याद रखिए, डायग्राम से लेबलिंग करके पूछ लेते हैं। अभी देखिए रिब्स जो है वो भी कितनी तरह की है, 3 तरह की है। ट्रू रिब्स तो वो होती है जो वर्टिब्रल कॉलम से निकल रही है, आगे स्टर्नम से जाके जुड़ रही है, तो 7 होती है ट्रू रिब्स। फिर देखिए फॉल्स रिब्स कौन कौन सी है, 8, 9 एंड 10, ये तीनों फॉल्स रिब्स है। क्यों, तीनों मिलकर एक ही जगह से, एक ही पॉइंट से क्या हो रही है आपके 7 के साथ में यहाँ पे अटैच हो रही है, जबकि 11 एंड 12 फ्लोटिंग रिब्स है, ये आगे जाके स्टर्नम से अटैच नहीं होती। बट ये याद रख सकते हैं कि यहाँ पे थोरेसिक वर्टिब्रीज कितनी होती है, 12 होती है, ठीक है। स्टर्नम फ्लैट बोन है, आगे की तरफ थोरेसिक केज को बनाने में हेल्प करती है, क्लियर। तो ये हो गया आपका थोरेसिक केज। चलिए पेक्टोरल गर्डल एंड अपर आर्म्स, तो ये देखिए आगे की तरफ क्लेविकल है, पीछे की तरफ स्कैपुला, ये है ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजियस, फिंगर्स के अंदर जो प्रेजेंट है, ठीक है, फेलेंजियस। ये एनसीईआरटी से डायग्राम्स ऐसे ही पूछ लेते हैं। फिर उसके बाद में आ जाती है कोक्सल बोन प्रेजेंट है आपके, सेक्रम, प्यूपिस एंड इलियम एंड ईस्टियम, ये बोन्स जो है वो आपका पेल्विक गर्डल बना रही है। फीमर, पटेला, पटेला बोन जो है वो आपकी घुटने की है, टखना होता है ना ऊपर प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं पटेला। टीबिया एंड फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फेलेंजियस, वहां पे कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स थी, यहाँ टार्सल एंड मेटाटार्सल्स है, ठीक है। तो ये है आपका लोअर लिम्ब। तो इनकी नेमिंग और इनकी नंबरिंग ये आपको याद रखनी है, तो इसमें कुछ समझने वाला नहीं है अभी के लिए। तो ये अगर हम लोग देखें तो ये आपको याद करने के लिए है मेन, आपको कि कौन सी कितनी बोन्स होती हैं, कहाँ कहाँ पे कितनी प्रेजेंट है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखने वाला है। तो मैंने एक समराइज फॉर्म में आपको सिर्फ डायग्राम जो है वो बता दिया है, तो ये लेकिन लर्निंग है, तो इतना तो आपको ज़रूर याद करना ही करना है, ठीक है। जो समझने वाली चीज़ थी उसको हमने समझ लिया, इनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू के तौर पर एनसीईआरटी के डायग्राम्स भी दिखा दिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है इन सब में, और ये है आपके लिए फॉलोअप क्वेश्चंस। तो फॉलोअप क्वेश्चंस को फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं बेस्ड हैं हमारे आज के वीडियो लेक्चर पे।
अगर आपने पूरा लेक्चर देखा होगा तो इनके आंसर जरूर कर पाएंगे। जो लर्निंग बेसिस पे वो आपको लर्न करना ही है। देखिए डायग्रामेटिक क्वेश्चन तो इसीलिए दिए गए ताकि आपको एनसीईआरटी के डायग्राम्स याद हो सके। ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बनाकर बार बार प्रैक्टिस कीजिए तो आपको बहुत ही हेल्प होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। बाय बाय।